अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों को दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया है गार्डन का ओवरव्यू नहीं मैंने डाल पाया, और इतनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। साइज़ भी बड़ा हो गया है फ्लावर का, सदाबहार के फ्लावर का। और ये देखिए, एक ये प्लांट निकला है इसमें, और इसमें भी फ्लावरिंग हो गई। और ये देखिए, ये जो हैं 5 o'clock के फ्लावर हैं, गुले अब्बास जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। दूर से दिखाती हूँ आपको, इतना बड़ा ये प्लांट हो गया है। ये बहुत ओल्ड प्लांट मेरा है। ये देखिए शेड में कितने खूबसूरत इसमें फ्लावर आ रहे हैं, बहुत प्यारे। हर फ्लावर में नई नई डिज़ाइन बनी हुई है, बस दिल चाहता है इनको देखती रहूं। क्योंकि सुबह का टाइम है और ये अभी खिले हुए हैं, अब ये 9 बजे तक जो हैं ये मुरझा जाएंगे फ्लावर। ये 5 बजे खिलते हैं और सुबह ये वही 8-9 बजे तक रहते हैं, जब तक कि धूप खूब तेज़ नहीं हो जाती। और रोज़ में भी बहुत ब्लूमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बड्स आई हुई हैं रोज़ में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब न्यू बड्स हैं इसमें खिली हुई, और इसमें तो बहुत हैवी ब्लूमिंग हो रही है। बस गार्डन में आती हूँ तो मन करता है कि गार्डन में ही आज बैठी रहूँ। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, कितने बड़े बड़े से गुले अब्बास, बहुत प्यारा ये मुझे प्लांट लगता है। ये मेरे पास 3 शेड में है, आप देख सकते हैं। ये मजेंटा कलर इसका भी मेरे पास है, और वाइट कलर में भी है। ये बिल्कुल येलो था, लेकिन इस बार ये शेड में फ्लावर अपने आप इसमें आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सदाबहार की ब्लूमिंग। ये देखिए फ्लावर, अभी जो सर्दियों में छोटे छोटे फ्लावर थे, अब ये काफ़ी बड़े जो हैं फ्लावर खिल रहे हैं। और ये देखिए बड्स कितनी आई हुई हैं, ये सब फ्लावरिंग बहुत अच्छी प्लांट कर रहे हैं इस टाइम हमारे स्प्रिंग सीजन में। ये देखिए, ये इतने वजन से ये गिर गई है बिल्कुल ब्रांच। सब में बहुत बड्स आ रही हैं इस टाइम रोज़ में। कटिंग कर दी थी रोज़ की मैंने, ये रोज़ की मैंने कटिंग कर दी थी, तो इसलिए इसमें बहुत हैवी अब आई हैं बर्ड्स। ये देखिए मेरी मैक्सिकन पिटोनिया, बहुत ज़्यादा ये हैवी हो रही है। अब इसमें ब्लूमिंग शुरू होगी, ये धूप जब तेज़ होती है तब इसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। और ये मेरा कोलियस देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और ये सब डेजी प्लांट जो हैं, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। देखिए डेजी में भी बहुत हैवी ब्लूमिंग हो रही है, और ये सनफ्लावर जो हैं इधर प्लांट लगे हुए, सनफ्लावर के भी काफ़ी प्लांट मेरे लगे हुए हैं गार्डन में, तो सब में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए सदाबहार में पूरी क्यारी भरी हुई है मेरी। ये कॉस्मस में भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, और ये देखिए गेंदे में भी निकल आया है फ्लावर। ये गेंदे का शेड है, ये कटिंग कर दी थी तो अब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये देखिए बहुत हैवी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत अच्छा गार्डन में लग रहा है। और ये अपराजिता में भी फ्लावरिंग बहुत होने लगी। ये मेरा ओल्ड प्लांट है ये, और बिल्कुल कहीं पर ये सूखा नहीं था, ये इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये कल एडजस्ट मेरा इधर गार्डन में मैंने लगवाया, उधर ये दूसरी साइड में लगा हुआ था, तो एसी की डायरेक्शन चेंज की, तो ये अभी यहाँ पर स्प्रे करने की है मुझे। सब प्लांट ये गंदे हैं। ये मेहंदी देखिए कितनी बड़ी हो रही है मेहंदी, और ये देखिए ये इस शर्ट में बहुत, और ये ग्रास देखिए, ये ग्रास लगी हुई है, क्योंकि अब बकरी है ना भैंस तो अब हटा दी मैंने, तो आपको दिखाती हूँ ये बकरियाँ हैं। ये देखिए ये कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये देखिए
मुझसे बहुत से फ्रेंड ने कहा था कि आप अपने गार्डन का पूरा ओवरव्यू दीजिए, तो मैंने कहा किसी दिन मैं पूरा ओवरव्यू दूंगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे, खेल रहे हैं आपस में। ये देखिए ये, और ये नेट इतनी लगा रखी है कि इधर ये ना आए बच्चे, नहीं तो ये पेड़ वगैरह भी खा जाएंगे, वो अंदर ही रहते हैं सब। ये तो ये तभी ये ग्रास लगी हुई है, ये देखिए मेहंदी प्लांट। ये बहुत अच्छी ग्रास लगती है, ये वही बकरियों की वजह से लगा कर रखी है। और अभी तो आधा भी ओवरव्यू नहीं हुआ गार्डन का फ्रेंड्स। और ये नेपियर घास है, इसका नाम नेपियर है। ये बहुत सॉफ्ट ग्रास होती है, खाने के लिए जानवर बहुत शौक से खाते हैं इसको। ये टमाटर वगैरह लगे हैं, ये सफाई अब होने का है तो दूसरे प्लांट अब लगाऊंगी। और बस फ्लावरिंग तो बहुत खूबसूरत प्लांट में हो रही है, देखते ही बनता है। और ये देखिए डाइंथस भी खिल रहे हैं। गार्डन की थोड़ी सफाई होने का है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं थोड़ी सफाई कर लूँ। मैक्सिकन पिटोनिया भी ये लॉन्ग वाली खिल रही है, और वो छोटी भी पिंक कलर के फ्लावर उसमें आ गए हैं। और वाइट पिटोनिया तो बहुत ज़्यादा खिल रही है। इधर देख देखिए ये सनफ्लावर बहुत हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये इस टाइम गार्डन में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ट्रम्फेट वाइन भी काफ़ी ग्रीन हो गई है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें भी फ्लावरिंग, एक दो बारिश हो जाएगी बस फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, सब ग्रीन हो रही है ट्रम्फेट वाइन। ये देखिए ये कॉस्मस जो मैंने लगाए थे सब, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सनफ्लावर जो हैं वो ज़्यादा खिल रहे हैं। और ये देखिए रोज़ की ब्लूमिंग, इस सदाबहार में भी आने लगा फ्लावर। ये बर्ड्स देखिए कितनी हैवी बर्ड्स आई हुई हैं सभी में, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इस टाइम। सभी प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छी ब्लूमिंग दे रहे हैं, तो गार्डन में इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्लावर, तो फ्रेंड्स अब आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।